तो गाइस इस वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे कि सिंपल सा डिफरेंस क्या है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बीच, क्यों सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, क्यों सीबीएसई बोर्ड के जो कि एक सेंट्रल बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन का, वो क्यों आ गए हमारे यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्लियर क्यों नहीं कर पाते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, क्लियर करते हैं लेकिन उतनी भारी मात्रा में नहीं कर पाते जितने सीबीएसई वाले, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित बोर्ड है वो कर जाते हैं। तो हम डिफरेंस पहले बताते हैं और फिर आपको इसका रीज़न भी बताते हैं। तो गाइस रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। देखिए सीबीएसई एक सेंट्रल बोर्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किया जाता है, जबकि हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो एक स्टेट बोर्ड है, इसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसको देखती है, और जो सीबीएसई है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जो दूसरा डिफरेंस है वो लैंग्वेज का डिफरेंस है। सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम होती है, जबकि यूपी बोर्ड में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाई कराई जाती है। जो थर्ड सबसे बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों के कंटेंट में, इन दोनों के जो सिलेबस है, इन दोनों बोर्ड्स का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि जो सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो सिलेबस है वो उनके एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, जबकि यूपी बोर्ड में हमारे एनसीईआरटी की बुक्स नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड में भी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट को लाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चे अच्छा जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 11वीं 12वीं से ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो चाहे वो नीट हो चाहे आईआईटी हो, उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, जिसका फल उनको 12th के साल में ही मिल जाता है। ज़्यादातर बच्चे सीबीएसई बोर्ड के उसी साल में एग्जामिनेशन नीट हो, चाहे आईआईटी हो या दूसरा क्लैट हो, आर्ट स्ट्रीम वाले क्लैट या कोई भी एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर लेते हैं और वो अपने करियर पाथ को सिलेक्ट करके उसमें चले जाते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा कंटेंट नहीं है, ऐसा सिलेबस नहीं है, जिसके चलते उनमें क्वालिटी एजुकेशन की कमी होती है, और वह क्वालिटी खाली सिलेबस से नहीं है, यहाँ पर शिक्षकों की भी कमी है और स्कूल कॉलेजेस में पाठ्यक्रम को सही टाइम पर मेंटेन नहीं कराया जाता, सही टाइम पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, जिसके चलते भी क्वालिटी लॉस होता है। ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यूपी बोर्ड में बिल्कुल ख़राब कंटेंट पढ़ाया जाता है, मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ और उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल चीज़ें होती हैं वो इस बोर्ड में कम होती हैं। सिलेबस लगभग अब बदलाव आ रहा है और सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, जिसके चलते हमारा कंटेंट लगातार सुधरता जा रहा है, एग्जामिनेशन का लेवल लगातार सुधरता जा रहा है, और नकल के विरुद्ध भी काफ़ी कुछ हुआ है प्रेजेंट में, तो इससे क्वालिटी सुधर रही है बेशक, और आगे और उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो जाने से हमारे बच्चे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड के बच्चे अच्छा करेंगे ज़रूर तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ऐसी उम्मीद के साथ आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पढ़ाई में लगे रहो और अच्छे से अपने पेपर करो, अच्छे से अपने फ्यूचर को प्लान करो, और बस इतना ही कह सकते हैं, और जो करना होता है वो आपको करना होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चलता हूँ भाई, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू एंड बाय।